नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंग बली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक में मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे कुछ खास संकेतों के बारे में जो ये बताते हैं कि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं। खुद को पहचानने की जो कला होती है वो हर किसी में नहीं होती, और जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वो अपने उद्देश्य को जान लेता है कि मेरा इस जीवन में जन्म लेने का क्या उद्देश्य है, इस धरती पर आने का क्या उद्देश्य है, वो ही भव से पार उतरता है। और जो व्यक्ति अपने बारे में जानता है कि मेरे अंदर ये गुण हैं, वही व्यक्ति उन्नति की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो 7 ऐसे गुण उस व्यक्ति में होते हैं जो उसे असाधारण बनाते हैं और उस पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। साथ साथ में वो समय समय पर ऐसे कुछ संकेत हमें देते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। कई बार वो प्रत्यक्ष रूप से तो कई बार अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ होते हैं। साथ ही वो ऐसी शक्तियाँ भी हमको प्रदान करते हैं जिन शक्तियों के माध्यम से हमें कुछ दिव्य अनुभव होते हैं। हमारा व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है और हम दूसरे लोगों से अलग हो जाते हैं, असाधारण हो जाते हैं। तो कौन से हैं वो संकेत, इस अंक को पूरा सुनिएगा ताकि ये बातें आपको बारीकी से पता चले, क्योंकि इस अंक के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर ये 7 संकेत आपको भी अपने अंदर दिखाई दें तो आप सच में एक असाधारण व्यक्ति हैं। क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं, हम ईश्वर को नहीं चुनते, ईश्वर हमें चुनते हैं। और जो भगवान के चुने हुए भक्त होते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। उन्हें मात्र आप देखेंगे कि थोड़ी सी ही सेवा करने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और भगवान के वो बिल्कुल निकट पहुंच जाते हैं। जो जो वो बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, जो भी वो संकल्प लेते हैं वो पूरा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो 7 लक्षण जो हमें असाधारण बनाते हैं। सबसे पहला जो संकेत होता है वो ये होता है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, जो असाधारण होते हैं, उनके अंदर काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया या फिर लोभ अहंकार जैसी बातें नहीं होती हैं। वो चाह करके भी क्रोध नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्तियों पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। वो अपने मुख से ना तो अपशब्द कहते हैं किसी व्यक्ति को और ना ही किसी व्यक्ति से वो जलते हैं। वो सदा ही प्रेम भावना से एक दूसरे के साथ रहते हैं और ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये लोग संतुष्ट होते हैं, यानी कि उन्हें संतोष होता है कि हाँ, जो कुछ भी मेरे पास है वो पर्याप्त है, जो भी मुझे ईश्वर ने दिया है वो मेरे लिए बहुत है। वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अगर उनके जीवन में कोई परेशानी आती भी है तो वो भगवान की मर्ज़ी समझ कर उसको सहते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। तो ये लोग, ऐसे लोग असाधारण होते हैं। दूसरा संकेत होता है कि ऐसे लोगों को, जो असाधारण व्यक्ति होते हैं, उन्हें स्वप्न के माध्यम से भगवान के दर्शन होते हैं, उनके मंदिरों के दर्शन होते हैं। और ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बार बार ईश्वर के दर्शन स्वप्न में होते हैं। ये जो दर्शन है ये दर्शाते हैं कि उनका जो जुड़ाव है वो ईश्वर से है, ईश्वर की शक्तियों से उनका जुड़ाव हो चुका है। और ये जो कुछ खास संकेत होते हैं वो भगवान उन्हीं व्यक्तियों को देते हैं। तो जब आपको ये संकेत मिले तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपके साथ एक अलौकिक शक्ति है। आपके हर कदम पर वो अलौकिक शक्ति आपका साथ दे रही है, आपके साथ ही चल रही है। तीसरा संकेत होता है कि जो व्यक्ति असाधारण होते हैं, जिन पर ईश्वर की कृपा होती है, वो लोग ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते हैं। वो भगवान की पूरी अनुभूति करना चाहते हैं। वो भगवान की पूजा, पाठ, मंत्र, जप इत्यादि में अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाते हैं और उन्हीं के नाम का गुणगान करते हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें पढ़ते हैं, उन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें सुनते हैं। साथ ही वो ऐसे लोगों की संगति पसंद करते हैं जो भगवान से जुड़े हुए लोग होते हैं या फिर जो उनके तरीके के लोग होते हैं, उन्हीं के साथ वो रहना पसंद करते हैं। और वास्तव में वो व्यक्ति जो हैं, आप देखेंगे कि उनके अंदर धीरे धीरे से एक दिव्यता, ईश्वरीय दिव्यता वो उनके अंदर आने लगती है, वो उसको धारण करने लगते हैं, जिसके कारण वो कुछ खास लोगों में उनकी गिनती होने लगती है। चौथा संकेत होता है कि जो व्यक्ति असाधारण होते हैं, जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है, वो पुण्य करने में विश्वास रखते हैं।
गरीबों की मदद करना, पशुओं की सेवा करना, उनको खाना खिलाना, दया करना, हर तरीके से उनकी सेवा करना, इन चीज़ों पर वो विश्वास करते हैं। साथ ही जो लोग परेशानी में होते हैं वो उनकी परेशानियों को दूर करने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही जो असहाय होते हैं, वृद्ध होते हैं, जो लोग अपंग होते हैं, उनकी भी हर तरीके से सहायता करने की वो लोग कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो तन से हो, मन से हो, धन से हो। ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और ये गुण स्वयं उनके अंदर आने शुरू हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन लोगों के अंदर ये जो गुण होते हैं ये ईश्वरीय कृपा ही होती है, ये पिछले जन्म से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें अपने वर्तमान जन्म में अपने ईश्वर से जुड़े हुए कर्मों को ही करना चाहिए। पांचवा संकेत होता है कि जब ईश्वरीय कृपा किसी व्यक्ति में होती है तो उन्हें पहले से होने वाली घटनाओं का आभास होना शुरू हो जाता है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है, कई बार ऐसी घटनाएँ भी वो जान लेते हैं, उन्हें स्वप्न के माध्यम से वो देख लेते हैं कोई दुर्घटना होने वाली है, उसका अंदाजा जो है उनको पहले ही लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। छठा संकेत होता है कि इन लोगों को अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है, जैसे कि सुगंधित फूलों की खुशबू या फिर अगरबत्ती की खुशबू, धूप की खुशबू या फिर कपूर की, तो ऐसा लगता है मानो ये जो चीज़ें हैं ये इनके आसपास ही कहीं घूम रही हैं या इनके आसपास ही कहीं रखी हुई हैं। तो आपको अगर अपने आसपास इन चीज़ों की उपस्थिति महसूस हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके साथ ईश्वर ज़रूर चल रहे हैं, भगवान की उपस्थिति आपके साथ है और देवी देवता आपको अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं, यानी कि उनकी कृपा आपके साथ बनी हुई है। अब देखते हैं सातवां लक्षण क्या है। सातवां लक्षण ये होता है कि आपकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलनी शुरू हो जाएंगी। 3 से 5 बजे का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय आपकी आँखें अपने आप खुल जाती हैं और हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तो उसको अमृत बेला कहा जाता है। अमृत बेला यानी कि उस समय जो अमृत के समान जो वायु होती है वो बहती है और अमृत बेला में देवताओं का आगमन धरती लोक पर होता है। अमृत बेला को यानी ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय भी माना जाता है, क्योंकि धरती लोक पर इस समय देवतागण विचरण करते हैं और पूर्ण रूप से उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उस समय धरती लोक पर बहती रहती है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप जिनकी आंखें खुल जाती हैं उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और वो व्यक्ति असाधारण होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को भगवान की कृपा के संकेत समझने चाहिए। और अगर आपके साथ भी ऐसे जो संकेत हैं वो हो रहे हैं, आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भगवान आपको संकेत दे रहे हैं अपनी भक्ति का और वो ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ हैं, वो हर पल आपकी मदद कर रहे हैं। संकेतों में तो बहुत सारे संकेत आते हैं पर आज मैंने आपको केवल ये 7 संकेत बताए हैं और किसी और अंक में मैं आपको बताऊंगी और विशेष बातें ईश्वर के बारे में, साथ ही उनसे जुड़े संकेतों के बारे में कि क्या आपको संकेत मिलते हैं, क्योंकि ये जो संकेत होते हैं ये संकेत हर किसी को नहीं मिलते, ये जो गुण हैं ये हर किसी व्यक्ति में नहीं होते। कुछ ही चुनिंदा ऐसे लोग होते हैं जो अलग होते हैं, जो असाधारण होते हैं। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि जो देश दुनिया में आजकल जो चल रहा है, लोग अपने में ही खोए हुए हैं, अपने में ही गुम हैं, अपनी चीज़ों पर ही वो विश्वास करते हैं, खाना पीना सो जाना, उल्टे सीधे काम करना, गलत काम करना, तो वो लोग फिर नर्क के ही भागी बनते हैं। तो जो लोग ईश्वर की कृपा के भागीदार होते हैं, जो लोग ईश्वर की कृपा जिनके ऊपर होती है वो सदैव भगवान पर विश्वास करते हैं और आध्यात्मिकता पर विश्वास करते हैं और वो सदैव भगवान के ही चिंतन में लगे रहते हैं। आशा करती हूँ आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।
राम राम।